करके जब ऐसा करते हैं ना तो क्राउन गूं गूं कर रहा है और ये उसको खोल दे है? खोल दे क्राउन खोल फिर क्या करना है। ठीक है और ये सापड़ का क्या करूं? सापड़ तो खोल तो सही देखते हैं। सापड़ तो जरीगुल्ला तो नया डाला था, क्रॉस व्रॉस नए थे। पहले सापड़ को देख लेते, पहले तो उसको खोल। सापड़ को दे दी ना इसको, थोड़ा चेक कर लें सापड़ को। मेरे को लगता है वो डब्बी के वजह से प्रॉब्लम है। देख सामने डब्बी, क्रॉस की जो डब्बी है ना, क्राउन तो देख खोलना पड़ेगा। मेरे को लगता है ये क्रॉस चेक कर ले, सापड़ लेथ पे भेज दे। चालू करता हूं भाई, एक मिनट रुक जा, मैं चालू करता हूँ। थोड़ा दूर रहना। क्या हो गया इसका क्राउन में आवाज? क्राउन कड़कड़ कड़कड़ कर रहा है यार इसका। मेरे को लगता है क्राउन का पिनियन में चाल होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका क्या है, अपन लोग ने नया डाला था ये, वो उस गाड़ी का निकाल के डाला था। पिनियन में आवाज होगी। अभी ये गाड़ी में दिक्कत है भाई, हमारे क्राउन में दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। इसका क्राउन क्या, मैंने बदली किया था आगे का पूरा गुल्ला उल्ला सब। तो मेरे को लगता है पिनियन में चाल है, हल्की फुल्की चाल आई हुई पिनियन में, उसकी वजह से पूरा घर घर का आवाज आ रहा है। हिल भी रहा है ना यार, दिक्कत वो भी, एक दिक्कत वो भी है कि सापड़ भी हिल रही है। सापड़ के हिलने की वजह से भी पिनियन में चाल आ सकती है। ये क्राउन की आवाज़ चेक करने का तरीका है, जैक मारो, टायर घुमाओ, तो इससे अपने को पूरा पता लगेगा कि सापड़ हिल रही है कि क्राउन हिल रही है। ये सबसे आसान तरीका है चेक करने का। अभी देखो ये रेस में घुमाएगा, सापड़ हिल रही है। जो आवाज आ रही है ना, ये आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। प्रॉब्लम ये आवाज की है, जो आवाज आ रही है ये। अभी सापड़ भी हिल रही है ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे जा रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसे ऐसे हिल रही है। ऐसे हिलनी नहीं चाहिए और आवाज नहीं आनी चाहिए। एकदम स्मूथ चलेगा तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, अगर हल्की भी प्ले नहीं रहेगी। क्या बोलते हैं ठंड, इसको बंदे को ठंड कितनी लग रही है। घर वाली शादीशुदा बंदे की ये बातें अच्छी होती है, अजी टोपी तो पहन लो, कानों को ठंडी लग जाएगी। अंदर दे बहन, डबल डबल, एक और अंदर। ए देखो शादी करने के बाद लौंडे, तबीयत खराब है किसकी, तेरी? आए हाय आए हाय, ऐसा होता है भाई शादी के बाद। खोल दे फिर क्या करना है। खोल दो ना। ये वाली गाड़ी भेज रहा हूँ मैं कलर पे, कलर करवाना है बम्पर वम्पर, और ये जो वेल्डिंग वेल्डिंग मारा है ना, ये वाला हिस्सा सारा, तो ये कलर, इसको ड्राइवर आ रहा है, इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको भेज रहा हूँ कलर पे। इसका एयर टंकी खोल दिया, इसके ऊपर पट्टा वट्टा मार देगा। वायरिंग का काम हो गया मेरी गाड़ी का, आगे का भी सारा वायरिंग का हो गया। सापड़ का काम बचा है, अभी वो सापड़ का काम कर देगा बंदा। शापट खुली थी, अभी शापट का क्रॉस लाता हूँ, वो डल जाएगा। पंप नोजल इसका ले गया मेरा, जो पंप वाला जो आदमी था ना, वो पंप तो ले गया इसका खोल के। अभी पंप बनेगा, वो आएगा, फिट हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको कल लगाऊंगा कलर पे। ये अभी ड्राइवर आ रहा है, इसको भेज देता हूँ कलर पे। ड्राइवर भी दूसरा पकड़ के लाया, इसको कलर करवा के ऑफिस में लाके खड़ा कर देगा। उसके बाद वो वाली गाड़ी का क्राउन खोल रहे हैं, रेडिएटर भी खोल रहे हैं, क्राउन भी खोलना पड़ रहा है। दोनों चीज खोलनी पड़ रही, रेडिएटर क्राउन दोनों। उसमें क्या, शापट पूरी हिल रही है, दर 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 पूरी हिल रही है उसका क्राउन का। रेडिएटर खोलना है, रेडिएटर लीक है, और दूसरा अपना क्राउन भी खोलना है। अभी क्राउन खोल देंगे इसका, क्राउन खोल के क्राउन के अंदर पिनियन विनियन में आवाज़ आ रही होगी तो उसका काम कर देंगे। बाकी इसका दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा दोनों का। अभी फिलहाल इसका काम कर रहे हैं, उसका तब तक पंप बन के आ जाएगा। तो गुच्छा बाहर निकाल दिया, देखो चापट भी खुल गई, गुच्छा भी बाहर निकाल दिया। अभी ये गाड़ी के पिनियन, अभी इसको देखते हैं छुट्टा करके कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। क्योंकि ये मैंने डाला था, ये जो डाला गया था ना, ये डाला था मैंने BS4 का। BS4 गाड़ी, एक मेरी BS4 गाड़ी टोटल लॉस हुई थी ना, उसका मैंने पूरा का पूरा गुच्छा डाल दिया था उठा के, क्योंकि इसका गुच्छा हो गया था ख़राब। अभी इसको देखते हैं छुट्टा करके इसके अंदर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की प्रॉब्लम। बता, 2, 3, 4, 5 टुकड़ों में, 4-5 टुकड़ों में टूटी है। वो ऐसे नहीं लगा टुकड़ा,
निकलेगा तो ठोक के ही है। और ये पैलेट बैरिंग टूटी है, बस एक बैरिंग ही गया होना चाहिए बस। वो तो ठीक है, इसमें तो एमरी भी कोई नहीं है। ये देख रहे हो, ये पैलेट बैरिंग टूट गई, यहाँ से टूटी है पैलेट बैरिंग, ये क्रैक हो गई। एक जगह ये टुकड़ा हुआ, एक जगह ये वाइब्रेट करने से टूटी होगी, लचक पे टूटती है यार ये वाइब्रेट करने से ज़्यादातर टूटती है, पर टूट जाती है, गर्म होके भी टूटती है। ये सही है, अपनी थाली भी एकदम, क्योंकि मैंने खुद यार, मेरे को पता है मैंने इसको बदली किया था गुच्छे को, ये पूरा गुच्छा असेंबल डाला था आप लोग ने, इसीलिए तो बोला था मैं, बोला पिनियन को कुछ नहीं हो सकता, बाकी बैरिंग वैरिंग जाए तो बाद ना लगे। आयल बदली कर देंगे, पिनियन ये सारा खराब है, अभी वो बैरिंग वैरिंग नया डाल देंगे, बस काम खत्म। इतना ही कम नुकसान हुआ है, बच गया। सिम्स किट ले लेना। अच्छा, तो पिनियन को मैं सेट भी कर लेता हूँ, जो थोड़ी चाल बता रही थी ना बाहर से ऐसे उठाने को, उठता था ना वो सिम्स किट आ जाएगी तो। हाँ तो ठीक है, वो डाल दे डाल दे डाल दे, खुला है तो अभी डाल दे। अभी जा रहा हूँ मैं सुरजीत सेठ के दुकान पे, पिनियन का जो बैरिंग गया है ना, वो बैरिंग को लेने के लिए। ये जो गुच्छे में जो प्रॉब्लम आती है ना, जो पिनियन में या क्राउन में जो प्रॉब्लम आती है, वो ज़्यादातर वाइब्रेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर जैसे क्राउन पुराना हो गया तो सिम्स आती है, सिम्स कट जाती है, तो सिम्स कटने की वजह से हल्की चाल हो जाती है। जब अपने शापट में चाल आती है, शापट उसको हिलाती है पिनियन को ऊपर नीचे, तो वो जगह करने लग जाता है बैरिंग के अंदर, क्योंकि जब वो हिलेगा तो कहीं ना कहीं तो जोर डालेगा, और जोर डालेगा तो सिर्फ उसमें कमजोर चीज जो मिलेगी वो अपने को बैरिंग ही मिलेगी। बैरिंग जब घूमता है और एक जगह हल्का झटका पड़ता है तो बैरिंग उसको कटक उसी टाइम बोलता है चल आउट, क्योंकि वो भाई गर्म होता है, ठंडा होता है तो कमजोर हो जाता है। इस वजह से वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है भाई। मैंने तो सोचा था बहुत खर्चा है, सब बदलना पड़ेगा मुझे, पर भगवान की कृपा से सिर्फ एक बैरिंग का ही खर्चा निकला। वैसे कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो नहीं सोचते वो होता है। मैंने सोचा था पिनियन गया है, पर गया बैरिंग है। अभी बदल दूंगा फटाफट, काम खत्म, दो चार काम खत्म करके फिर देखते क्या करना है। क्राउन वराउन फिट कर दिया, तू किधर चले? मैं इधर डालने जा रहा हूँ। और ये क्या पकड़ा है हाथ में? इसमें डालेंगे, इसमें लगाकर डालेंगे। ओए होए, जुगाड़, ये जुगाड़ है, जुगाड़ भाई, देखो इससे डाल, ऐसे ऐसे जुगाड़ करते हैं। हमारे मिस्त्री भी जुगाड़ी होते हैं, पक्के वाले जुगाड़ी होते हैं मिस्त्री भी अपने। जुगाड़ क्या किया, इधर से एक्सल डाल दिया और प्लेट लगा के बंद कर दिया भाई इधर से। अभी क्राउन फिट हो गया, परली तरफ से आयल डालेंगे। अभी तुम्हारे को दिखाते हैं कि सबसे आसान तरीके से आयल कैसे डाला जाता है। और ये रही अपनी शापट, जो शापट है वो आ गई है, उसने जो शापट में हल्की फुल्की चाल थी वो काम भी कर दिया। और पाऊ ने इसमें कूलेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, कूलेंट भी डाल दिया, और रेडिएटर भाई बॉटम लीक था, बॉटम से रेडिएटर का भी काम हो गया। और ये डाल रहे भाई आयल, ये इधर का एक्सल बाहर निकाला है। इससे क्या होता है, जो एक्सेल की जगह आती है ना उसमें रबड़ को फंसा देगा ये। मेरी बात सुन, ओए इधर वाला हिस्सा फंसाता नहीं, नहीं, अच्छा इधर वाला ही फंसाना है, घुसा से दबा के घुसा उसमें। घुस गया, घुस गया, मार देता हूँ अभी ये। सॉरी सॉरी, रोंग साइड जा रहे हैं भाई। ये क्या है, इधर से रोंग साइड जाना पड़ता है क्योंकि वो कट बंद कर दिया। कट अच्छा है, कट अच्छा है जो बंद कर दिया भाई, मैं बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे 5-6 आदमी 7 आदमी 8 आदमी बेचारे मारे गए, ख़त्म हो गए बेचारे भाई। गलती ट्रक वाले की भी नहीं थी, गलती अभी ट्रक वाले की बेचारे की क्या गलती, इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं। बाइक वाला जा रहा है मज़े में, तीन लड़के थे मज़े में जा रहे थे बाइक लेके, ट्रक आ रहा था, उन्होंने सोचा कि ट्रक पास कर लूँगा, सीधा घुस गए ट्रक वाले ऊपर चढ़ा चढ़ के। लोग बोलते ट्रक वाला ऐसा, ऐसा नहीं होता है भाई, गलती बड़ा ट्रक वाला तो बेचारा जानबूझ के गलती करेगा ही नहीं, अचानक ही आगे हो गया, घुस गया। अभी क्या घुसा रहा है, चला गया अंदर, है? पूरा चला गया। अब क्या करना है, इसमें डालना है। तो डाल, तो तू क्या सोच रहा था? नहीं, मैं ओए ये भाई, ये इंडिया का जुगाड़ है, देखो ये इंडिया का जुगाड़ है। उधर से आयल डल रहा है,
इधर से आयल ये डाल रहा है और इधर गाड़ी में जा रहे हैं। मतलब कोई ये विदेशों वाला काम नहीं है भाई कि परफेक्ट मशीन डालो पूरा वो डालो, कोई मतलब नहीं। आयल डाल दिया और उधर से अपना अभी शापट फिट होनी है, शापट फिट हो जाएगी। अभी वो ठोक रहा है जरीगुल्ला, ठोक रहा है जरीगुल्ला, ठुक के शापट अपनी बैठ जाएगी, शापट को बिठा देगा, काम खत्म, गाड़ी अपनी ओके। 5 लीटर डल गया, अभी कितना डालना है? 7 लीटर टोटल। कितने लीटर आना है इसमें? 12 लीटर टोटल। 12 लीटर डालोगे, 5 डल गया, अभी 5 कितना डालेगा? 3 और डालेगा, 5 2 डालेगा, 2 लीटर और। ये 5 का था, कितने का था? अभी 2 लीटर और मापेगा भाई, चल डाल दे 2 लीटर और। अभी भाई काम खत्म। क्यों मिस्त्री तू क्या कर रहा है? नहीं अभी 7 लीटर और डालना है, अभी तो 5 ही डाला है। 12 डालना है ना टोटल? हाँ। तो वही तो मैं बोला ये 7। अरे 7 और डालना है, अभी 5 डाला, 7 5 12। और कंफ्यूजन में मारे गए लोग हैं। बस भाई इतना ही काम है, अभी ये काम खत्म। बस वो एक गाड़ी हमारा काम का बचा है, उसकी वजह से अभी इसको 1 घंटा बोला था, पता है इसने? अभी वो बंदे ने ना मेरे को 1 घंटा बोला था। उसका क्या है, पीछे जो टंकी के ब्रैकेट आते हैं ना, ब्रैकेट के ऊपर प्लेट मारनी थी। मैंने बोला 1 घंटे बाद कर देता हूँ, अभी तक नहीं किया उसने। उसका पंप नोजल खुला था, अभी पंप नोजल बंदा सुबह फिट कर देगा और ब्रैकेट व्रैकेट मार देगा, सुबह वो भी फिट हो जाता। पर ये बंदा हमारा पैसा लेने में, पैसा लेने के लिए उसी टाइम आके खड़ा हो जाएगा, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। काम करने के टाइम पे नहीं आके खड़े होंगे, क्या बोले आदमी। बस बाद में बोलते हैं कि इनको हम लोग गाली देते हैं, गाली खाने वाले काम ही क्यों करते हो। काम किया है गड्डी दा अपनी दा आले ने ना ना होना हाँ बस वही किया थोड़ा जा। बोल्ट बोल्ट पा गया है कि नहीं? बोल्ट आप ही पाए रामी आए ना बंदा ना थोड़ा जा सुधारना मैडम। अभी भाई हम लोग पार कर रहे हैं एक्सप्रेस का टोल नाका, क्यों? क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता क्यों, क्योंकि भाई हमारी जिस गाड़ी का क्राउन का काम किया हमारे बंदे ने, उसका क्राउन का कोई लोचा हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से हम निकल रहे हैं यहाँ से। बस यही पता है। और एक्सप्रेस पे लगा हुआ है जाम, और ये किस बात का जाम है भाई अपने को भी नहीं पता है, ये किस बात का जाम है भाई? हाँ भाई ये जाम किस चीज का लगा हुआ है? चक्का जाम मैं तेरी मरेगा के। आए हाय पुत्र जी, हम तो बड़े आरामी हैं, ऐसा होता है, हम क्या करें। यहीं पे खड़ी आगे चल। अभी तो भाई लोचा क्या हुआ है कि पता नहीं, क्राउन का कोई क्या हुआ अपने को भी नहीं पता, पर क्राउन में से फिर से आवाज आने लग गई और मैं और मिस्त्री हम दोनों भाई फिर से निकले। गाड़ी एक्सप्रेस के ऊपर खड़ी है, यहाँ पे क्या बाइक जा नहीं सकती, तो कार लेके जा रहे हैं, बलेरो या कार, फोर व्हीलर के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहां पे जा रहे हैं हम लोग फिर से। वहां पे कोई ना कोई मतलब क्या हुआ है अभी मेन रीजन तो गाड़ी पे जाके पता लगेगा, क्या जल्दी जल्दी पहुंचा जाए क्योंकि रात का टाइम है यार, अपने को भी नींद आ रही है, सुबह निकलना है बाहर के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी पे पहुंचे। और रात के बज रहे भाई 11:06 हो गई, आयल एकदम पूरा है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बापू को आवाज आ रही है मेन दिक्कत उसकी है, और उसकी दिक्कत की वजह से अभी मिस्त्री को साथ बिठा दिया, बापू लेके चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से यूटर्न मार सकते हैं ना, तो आनंद से ही यूटर्न मार सकते हैं, बाकी कहीं से यूटर्न नहीं है। ये जो एक्सप्रेस जो बन रहा है ना नया वाला, ये बन रहा है राजस्थान मुंबई नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे, अभी इसके ऊपर हम लोग यूटर्न मार सकते हैं, तो आनंद से यूटर्न मार सकते हैं, आनंद से पहले यूटर्न मार ही नहीं सकते, तो बापू के साथ बंदे को बिठा दिया, अभी बापू उसको लेके चलेगा, मैं चलूंगा उसकी गाड़ी के बिल्कुल बाजू में एकदम बराबर में, तो अभी आप लोग भी आवाज सुन लेंगे कि गाड़ी में भाई आवाज कौन सी आवाज है ऐसी कि जो बापू गाड़ी, आयल पूरा है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का आयल गिर गया है, पर भाई गाड़ी का आयल पूरा है, तो ये संतुष्टि है कि अपना क्राउन सेफ है। बाकी अभी देखते हैं किस चीज की आवाज है ऐसी, क्योंकि देखो यार
हमने इतना खर्चा किया, क्राउन उतारा, मिस्त्री की मेहनत लगी, सबकी मेहनत लगी, इसमें कोई मिस्त्री भी बेचारा काम करेगा तो अपना नाम तो खराब करेगा नहीं, पर क्राउन में आवाज है, क्योंकि क्राउन में कुछ था ही नहीं, हमने एक बैरिंग नया डाला है, पर अभी जो मेन आवाज है, किस चीज की आवाज आ रही थी अभी वो मैं सुनूंगा, गाड़ी के बिल्कुल बाजू में लगाऊ, कांच खोल दूंगा, बिल्कुल बराबर चलूंगा और आनंद तक लेके जाएंगे। आनंद पे हम लोग यूटर्न में, अगर गाड़ी सही रही तो जाने देंगे और नहीं सही रही तो हम आनंद से यूटर्न मार लेंगे। मेन प्रॉब्लम ये है, जो भी करेंगे अभी वहां से करेंगे, बस अभी मैं गाड़ी के बिल्कुल बराबर में जाऊंगा क्योंकि धीरे से जाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से कांच खोल के आवाज सुनूंगा बस। अभी क्या निकला मिस्त्री इसमें? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ, तो हुआ क्या था? आवाज कहीं और से है, हल्की फुल्की, लेकिन वो क्राउन की आवाज है ही नहीं। तुम भी बगल से चल के देखे क्राउन? मैं तो बिल्कुल बराबर में था कांच उतार के, तो मेरे को क्राउन की आवाज नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं यार क्राउन की आवाज। मैं खुद कांच खोल के मैं नीचे की तरफ मैं खुद झुक के देखा, अगर क्राउन की गूंज रहेगी तो लगातार गूंजती है, लेकिन क्राउन की आवाज बिल्कुल भी नहीं है। ये आवाज तो किसी और चीज की थी, गियर लीवर पर थोड़ी तो थोड़ी बहुत आवाज थी वो, गियर लीवर भी के पास में कहीं से है यार। मैं मेरे को लगता है जहाँ तक जैसे टैपे टोपे ढीली नहीं रहती है, हाँ, तो उसकी आवाज लगातार टिक 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 की आ रही है। स्पीड में तो भाई साउंड तो रहेगा ना, एक चीज लगातार अगर मार रही है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही रहता है। वो भी बात बराबर है, बाकी क्राउन की आवाज नहीं थी भाई। पूरी गाड़ी चेक कर ली हमने, एक मिस्त्री, मेन तो मिस्त्री है हमारा, मिस्त्री के जान निकल गई थी भाई आज। मिस्त्री बोला मैं जो अपने हाथ से काम किया, सब कुछ किया, किसी के भरोसे भी नहीं रहा, फिर भी ये हाल हो गया, ये सबसे बड़ी बुराई हो गई। क्यों मिस्त्री आज मिस्त्री इस चीज के ऊपर भाई, मिस्त्री बोलता है साबा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कुछ हो जाए क्राउन में तो कहते मैं लालच में है जो मैंने इतना काम कर दिया। भाई यार चंबा था कि बंदा अपने हाथ से काम किया, हेल्पर से भी नहीं काम करवाया भाई, जो इनका बंदा था उसने भी काम नहीं किया, इन्हें खुद एक एक नट कसा है, तो भाई दिक्कत तो आएगी आएगी, इसकी अलग में जान आ गई और मैं सोच में पड़ गया भाई। ये यूटर्न मार के टोल पे आ गए, ये दोबारा टोल कटेगा फिर बड़ौदा के लिए एक्सप्रेस पे।